वैशाली जिला के कटारा ओपी थाना क्षेत्र के अख्तियारपुर सेहान गांव में एक नवविवाहिता की दहेज के लिए हत्या कर दी गई, जिसका शव लेकर उसके परिजन कटारा ओपी पहुंचे, लेकिन थाना अध्यक्ष द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने में आनाकानी की जाने लगी, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि कटारा ओपी थाना क्षेत्र के कुमार ठाकुर के पुत्र रोहित कुमार की शादी मुजफ्फरपुर जिला के सकरा थाना के इटावा गांव निवासी अमरेश ठाकुर की पुत्री आकांक्षा कुमारी के साथ 6 महीने पहले हुआ था। शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज की मांग करते थे और उसे प्रताड़ित करते थे। आकांक्षा के मायके वालों को सूचना मिली कि उसकी हत्या कर दी गई है। सूचना मिलते ही उसके मायके वाले अख्तियारपुर सेहान गांव पहुंचे, जहां उन्होंने आकांक्षा का शव बरामद किया। शव लेकर वे लोग कटारा ओपी थाना पहुंचे, जहां पर उन्होंने ससुराल वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग करने लगे, लेकिन कटारा ओपी अध्यक्ष ने प्राथमिकी दर्ज में आनाकानी करने लगे, जिसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। हालांकि बाद में थाना अध्यक्ष ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर भेज दिया है तथा उनके ससुराल वालों पर मामला दर्ज कर मामले की छानबीन में जुट गए हैं। एफआईआर लेने में अच्छा, हाँ कि ये दाह संस्कार के बाद ही एफआईआर लेंगे, क्या आपत्ति है ये बताएंगे ना, या ये प्रोसेस है तो ये हमें लिख के दे दें कि दाह संस्कार के बाद ही एफआईआर होता है। अच्छा। तो वो पेपर मेरे पास रहेगा और उसी पेपर के आधार पे हम एफआईआर करेंगे बाद में, क्योंकि ये हमें रिटर्न में दे दें। ये 5 लाख लेके आओ नहीं तो मार देंगे सर। खोल के हमारी है, सिक्के है, बहन थी मामा की लड़की है, बार बार बोल रहा था पैसा लेके आओ घर से नहीं तो मार देंगे तुमको। कौन बोल रहा था, मारने की बात कौन कर रहा था? उसका बहन और उसका सब माँ बाप सब मिल के मारा है। अगर प्रशासन एक्शन नहीं लेती है तो